देखिए मैं तो इतना जानता हूं कि ये तो साफ दिख रहा है कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को आएगा और 65% का जो लक्ष्य हमने रखा है हम 2300 आगे बढ़ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो सर अगर बगर में प्रश्नों के जवाब राजनीति में नहीं होते अगर बगर में जवाब नहीं होते भैया। लेकिन अमित शाह ने कहा कि आपको हमारा सहयोगी है। अमित शाह जी का पूरा बयान मैंने देखा, मैं स्वयं उस कार्यक्रम में मौजूद था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे देश में स्पष्ट बहुमत प्राप्त, तभी हमने अपने सहयोगियों को साथ रखा। उन्होंने कहा कि मुझे स्पष्ट बहुमत झारखंड में प्राप्त होगा, उसके बाद भी अगर आसू साथ रहेगा तो साथ रखेंगे, इसमें आपत्ति की बात क्या? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे पास सीटें कम आ रही है इसलिए किसी और को जोड़ना चाहते। गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हैं ना सर? अभी तो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने के मकसद से हम चुनाव के मैदान में हैं और हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे अधिकार है। और जब आदमी भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के खिलाफ चुनाव के मैदान में चला गया तो उसके बीजेपी बनने का क्या अर्थ होता है? उन्होंने तो स्वयं ही कहा कि हम नहीं लड़ना चाहते भाजपा की ओर से, तो उसके बाद सभाएं कहा उन्होंने स्वयं कहा कि भाजपा में नहीं, भाजपा मेरे नाम पर विचार न करें, उन्होंने स्वयं कहा है। आपने कहा कि लहर चल रहा है बीजेपी का, ये सुनामी में कब बदलेगा? लहर धीरे धीरे सुनामी बन जाता भैया। अब हम तो स्वस्थ लोकतंत्र के हिमायती रहे हैं ना, हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष रहे, लेकिन जनता क्या चाहती जनता तय करेगी।